लैंड रोवर डिफेंडर के फिलहाल तीन डिफरेंट वर्जन आते हैं 90, 110 और 130 और तीनों की कमांड फिलहाल काफी तगड़ी सेल हो रही है। जितना लैंड रोवर ने एक्सपेक्ट किया था उससे 50% हायर सेल्स हो रही है। 15-15 महीने का वेटिंग पीरियड आ रहा है। लोग काफी तरस रहे हैं अपनी गाड़ी की डिलीवरी लेने के लिए, तो लोगों को थोड़ा और तरस आने के लिए, अपना वेटिंग पीरियड थोड़ा और बढ़ाने के लिए और थोड़े और पैसे कमाने के लिए लैंड रोवर डिफेंडर 70 को लॉन्च कर रहे हैं, मतलब उस पर काम कर रहे हैं, जो कि इस ब्रांड की एक लाइट वेट अफोर्डेबल ऑफ रोडिंग एसयूवी होने वाली है, जिसमें आपको डिफेंडर का ब्रांड नहीं मिलेगा सस्ते प्राइस में और बढ़िया आप मजे कर पाएंगे अपनी डिफेंडर की चौड़ के साथ, जिसमें फिलहाल इंडिया में डिफेंडर का सबसे सस्ता मॉडल अराउंड 90 लाख रुपए के प्राइस में आता है, जो कि थोड़ा महंगा ही है, ऑब्वियसली काफी अन वैल्यू फॉर मनी है। पर यूके में इसका सबसे सस्ता वर्जन अराउंड 51,000 पाउंड के रेट में आता है या फिर $60,000 के रेट में आता है और इसमें 15 महीने की वेटिंग पीरियड चल रहा है। तो यूके में भी ये गाड़ी अराउंड एक प्रीमियम प्राइस पॉइंट में आ रही है, इसका बेस मॉडल भी जो कि महंगा ही है अराउंड 60 लाख रुपए का है। पर इसके नीचे एक सेगमेंट आता है अराउंड $35,000 के आसपास का, जिसमें फोर्ड ब्रोंको आती है, जीप रैंगलर आती है, जो कि बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रहा है सेगमेंट। इस वाले सेगमेंट में भी दो दो साल की वेटिंग चल रही है कार्स की, तो इसलिए लैंड रोवर सोच रहे हैं कि अगर हम इस वाले सेगमेंट में आए, अपनी डिफेंडर को खोखला कर दे पूरा, खुद भी खोखले हो जाए और लॉन्च कर दे तो क्या दिक्कत है, बढ़िया हम भी पैसे कमाएंगे। वैसे भी थोड़ी पैसे की जरूरत है क्योंकि कंपनी लॉस में चल रही है, पर दोस्तों इस ब्रांड को काफी हाई लेवल पे कॉस्ट रिडक्शन करनी पड़ेगी इस गाड़ी का प्राइस इतना रिड्यूस करने के लिए। तो कॉस्ट रिडक्शन करने से अच्छा ये ब्रांड शायद दोबारा ही इस गाड़ी को एकदम नया बनाए, जिसमें फिलहाल जो डिफेंडर है वो लैंड रोवर के D7X प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है, जो कि एक टफ एंड बॉडी ऑन लैडर फ्रेम आर्किटेक्चर है, जो कि अल्यूमिनियम बेस्ड है, मतलब अल्यूमिनियम कंस्ट्रक्शन है। पर दोस्तों अल्यूमिनियम काफी महंगा आता है, सस्ता नहीं अल्यूमिनियम, तो ऑब्वियसली एक सस्ती गाड़ी में अल्यूमिनियम नहीं दे सकते लैंड रोवर आपको, तो इसलिए काफी लोग ये स्पेक्यूलेट कर रहे हैं कि जो छोटी वाली डिफेंडर होगी ये लैंड रोवर के MLA आर्किटेक्चर पे बेस्ड होगी, जो कि नई वाली रेंज रोवर इवोक में और उनकी डिस्कवरी स्पोर्ट में यूज होता है, जो कि एक स्टील बेस्ड आर्किटेक्चर है, एक अल्यूमिनियम बेस्ड आर्किटेक्चर नहीं है, जिससे कॉस्ट भी कम रहती है, साथ ही में इसमें आपको बढ़िया स्ट्रेंथ मिलती है। और कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि इस गाड़ी में आपको टाटा का ओमेगा आर्क आर्किटेक्चर मिलने वाला है, तो भाई ये तो थोड़ा ज्यादा हो गया, ऐसा नहीं होने वाला। सोचो एक लैंड रोवर में आपको टाटा का प्लेटफॉर्म मिल रहा है, जो कि ऑब्वियसली लैंड रोवर से डिराइव्ड है, पर यार मेरे ख्याल से ऐसा होगा नहीं, क्योंकि इससे ब्रांड वैल्यू भी तो काफी हैम्पर होगी, क्योंकि लैंड रोवर एक काफी ऐसे वर्सेटाइल सा वर्ल्ड वाइड रिनाउंड ब्रांड है और उसमें एक टाटा की गाड़ी का आर्किटेक्चर, जो कि सिर्फ इंडिया में कार्स को बेचती है, तो शायद हो भी सकता है भाई, हमें नहीं पता, पर ऐसा मेरे ख्याल से होगा नहीं। और जो लोग कह रहे हैं कि ऐसा होने वाला है, वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो MLA आर्किटेक्चर है और जो ओमेगा आर्क है, इनके अंदर इलेक्ट्रिफिकेशन करना काफी आसान है, क्योंकि ऐसे थोड़े मॉड्यूलर से आर्किटेक्चर है, इन वाले आर्किटेक्चर को यूज कर लेंगे लैंड रोवर और सस्ती मस्ती कर देंगे अपनी गाड़ी के साथ। तो मुझे नहीं पता भाई आप इधर, आपको क्या लगता है कि टाटा का आर्किटेक्चर यूज होगा या फिर नहीं? मेरे ख्याल से नहीं होगा, जो MLA आर्किटेक्चर है उसको यूज करके इस गाड़ी को बनाया जाएगा, ताकि थोड़ी ब्रांड वैल्यू भी हैम्पर ना हो। और ब्रांड वैल्यू काफी तगड़ी कार वर्सल की है, सब्सक्राइब कर लो और एक रियल कार वर्सल प्रो बन जाओ, हमें वर्ल्ड की बेस्ट कार कम्युनिटी बनानी है और आप बना सकते हो, अब तो कर लो सब्सक्राइब। पर दोस्तों जो डिफेंडर है उसमें आपको पावर बहुत ही बढ़िया मिलती है, फिलहाल जो उसका बेसिक इंजन है 2.0 लीटर का पेट्रोल, उसमें भी आपको 300 हॉर्स पावर मिलती है, और ऑब्वियसली अगर आपको सस्ते में थोड़े बढ़िया गाड़ी चाहिए तो इतनी आपको पावर नहीं मिलने वाली, तो आपको जो पेट्रोल है उसमें एक 2.0 लीटर का पेट्रोल जिसमें आपको अराउंड 200 हॉर्स पावर मिलने वाली है, मतलब डिस्कवरी स्पोर्ट के आसपास की पावर मिल सकती है। और जो रियल कॉस्ट रिडक्शन है इसके 1.5 लीटर वाले इंजन के साथ होने वाली है, जिसमें हां आपको लैंड रोवर में अब एक 1.5 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन मिल सकता है पेट्रोल वाला, जिसमें आपको कम ही पावर मिलेगी 150 के आसपास, और इसके साथ में आपको माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मिलेगी, जिससे आपको इलेक्ट्रिक मोटर मिलेगी और आपको बैटरी मिलेगी, जिससे कंबाइंड आपको 200 के आसपास हॉर्स पावर मिलेगी और आपको बढ़िया एवरेज मिलेगी। और इससे क्या होगा कि गाड़ी की एक तो कॉस्ट कम हो जाएगी ऑब्वियसली, सेकंड इस गाड़ी की जो पोजीशनिंग है मार्केट में वो थोड़े कम लेवल पे हो पाएगी एज कम्पेयर टू डिफेंडर 90 वगैरह, क्योंकि अगर सेम इंजन दे दिया तो लोग तो वही ले लेंगे, इतने पैसे खर्चने का फायदा क्या फिर। और जो कंज्यूमर्स हैं उन्हें थोड़ी बढ़िया एवरेज में मिल जाएगी अपनी कार में, ताकि जो एक एवरेज कंज्यूमर है कार्वर्सल प्रो, नहीं एक एवरेज कंज्यूमर, वो इस गाड़ी को ले पाए। कार्वर्सल प्रो तो भाई डिफेंडर 130 लेंगे, एक्स डायनामिक फुल स्पेक 1,80,00,000 वाली, जिसमें आपको एकदम तगड़ी ऑफ रोडिंग मिले, और ऑफ रोडिंग इस गाड़ी में भी आपको तगड़ी मिलने वाली है, क्योंकि जो डिफेंडर ब्रांड नेम है अपनी ऑफ रोडिंग के लिए ही जाना जाता है, जिसमें आपको 900 मिलीमीटर की वाटर वेडिंग कैपेसिटी मिलती है, आपको इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर केस मिलता है, ऐसे बढ़िया बढ़िया ऑफ रोडिंग मोड्स मिलती है। पर अगर आप एक्सपेक्ट करें कि जो बढ़िया वाली डिफेंडर है उसके लेवल की ऑफ रोडिंग मिले, तो वो तो आपको ऑब्वियसली नहीं मिलने वाली, जिसमें जिस गाड़ी का एकदम बेसिक वाला वर्जन होगा वो तो आपको 4x4 भी नहीं मिलने वाला, आपको 4x2 मिलने वाला है, 4x2 लैंड रोवर डिफेंडर। तो दोस्तों थोड़ा आपको अजीब लग रहा होगा डिफेंडर में 4x4 भी नहीं आ रहा, मतलब ऑफ रोडिंग तो छोड़ो 4x4 ही नहीं आ रहा, 4x2 आ रहा है, पर ऐसा होने वाला है, ताकि इस गाड़ी का जो प्राइस है काफी कम बन पाए
और अच्छे से इस गाड़ी की पोजीशनिंग हो पाए इसके कंपटीशन के हिसाब से। पापा जी पर पैसा कमाने वास्ते 4x2 ऑफर करना पड़ता है। मैं थोड़ा भाई खराबी हूँ पंजाबी में, सॉरी इसके लिए। पर बाकी जो इसके थोड़े हायर वाले वेरिएंट्स होंगे उनमें आपको 4x4 मिलने वाला है ऑब्वियसली, और आपको थोड़े बहुत और बड़ी ऑफ रोडिंग मोड्स भी मिलने वाले हैं, ताकि ये गाड़ी जो अपनी लेगेसी वाला ब्रांड नेम है डिफेंडर का उस पर खड़ी हो पाए। और ये अगर आप देखें एकदम वैसी मार्केटिंग है जैसे महिंद्रा ने अपनी थार के साथ की है, जिसमें थार का निचली 4x4 वाला वर्जन आया, उससे उसकी बहुत ही बढ़िया ब्रांड वैल्यू बन गई, और बाद में फिर सस्ते में उसका 4x2 वाला वर्जन लॉन्च कर दिया, जिससे वो गाड़ी थोड़ी और एक्सेसिबल हो गई मासेस के लिए और उसकी जो डिमांड है कुछ ज्यादा स्काई रॉकेट कर गई। पर साइज दोस्तों अगर आप देखें इज वेरी इंपॉर्टेंट, द बिगर इट इज द बेटर इट इज। तो इसलिए इस गाड़ी का जो साइज है काफी ऐसे अलग सा होने वाला है, जिसमें जो डिफेंडर 90 है उसकी 4.3 मीटर की लेंथ है, जो डिफेंडर 110 है उसकी 4.8 मीटर की लेंथ है, पर इस गाड़ी की जो लेंथ है 4.4 मीटर के आसपास की होने वाली है। तो आप कहोगे भाई कैसी बातें कर रहा है, अगर डिफेंडर 90 से डिफेंडर 70 की लेंथ ज्यादा हो गई तो उसकी सेंस क्या बनती है? तो इसमें सेंस ये बनती है कि जो डिफेंडर 70 होगी उसकी लेंथ भले आपको ज्यादा मिले डिफेंडर 90 से, पर ये गाड़ी 5 डोर वर्जन में आने वाली है तो इसलिए आपको स्पेस थोड़ी कम मिलने वाली है, जिसमें गाड़ी थोड़ी एक प्रैक्टिकलिटी वाली अप्रोच ज्यादा रखेगी एज कम्पेयर टू एक लग्जरी ऑफरोडिंग वाली अप्रोच, ताकि ये गाड़ी थोड़े और मासेस को और एक एवरेज कंज्यूमर को भी टारगेट कर पाए जो कि सोली ऑफरोडिंग ही नहीं करना चाहता अपनी गाड़ी से। और ये एकदम वैसी स्ट्रेटेजी है जैसे फोर्ड ने अपनी ब्रोंको में यूज करी है, जिसमें आपको नॉर्मल ब्रोंको मिलती है जिसमें आपको तगड़ी ऑफरोडिंग मिलती है, और उसके नीचे एक ब्रोंको स्पोर्ट आती है जो कि एक नॉर्मल गाड़ी है बस जिसमें ब्रोंको के बैच वगैरह लगा दिए, और ऐसे बढ़िया उसके नाम से मार्केटिंग हो रही है और उसकी बहुत ही बढ़िया सेल हो रही है। और जिसका लॉन्च है 2024 के आसपास होने वाला है और इस पे काम चालू है एकदम, और इसका प्राइस इंडिया में अराउंड 60 लाख रुपए का होने वाला है, तो थोड़ी महंगी है, बाहर सिर्फ 35,000 पाउंड के आसपास की होने वाली है। तो 60 लाख रुपए यार महंगी है, पर क्या कर सकते हैं, लैंड रोवर इंडिया में काफी कम लोकलाइजेशन करते हैं, थोड़ी और करे तो गाड़ियों का प्राइस थोड़ा और बढ़िया होने वाला है। और बाकी यही था आज की वीडियो में, अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और बाकी आप सब कार वर्सल प्रोस के लिए एक काफी तगड़ी चीज पे काम कर रहे हैं जो कि ऑलमोस्ट रेडी है, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड।